हेलो फ्रेंड्स, देख सकते हैं एक सैमसंग का टीवी है 24 इंच का, जो ये मतलब कि ये ऑन नहीं हो रहा है। ये देखिए, मैंने स्विच दिया, प्लग लगा दिया है, तो ये देखिए इसमें कनेक्शन आ गया है। इसका रेड एलईडी भी ब्लिंक कर रहा है, जल रहा है। तो देखिए, ये दबाने पर रिलीज नहीं हो रहा है, ठीक है। ये देखिए रिलीज नहीं कर रहा है, तो इसका प्रॉब्लम मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा कैसे इसको रिपेयर करना है, ठीक है। तो इसका जो प्रॉब्लम है मैं दिखाता हूं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं यहां पर हर वोल्टेज चेक करूंगा। पहले यहां पर देखिए, इधर जो 12 वोल्ट बन रहा है, ये देखिए ये 12 वोल्ट कॉपर है, ठीक है ठीक है, कॉपर है। तो उसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे, यहाँ पर 3.3 जो कि ये देखिए प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद चेक करेंगे 1.8, देखिए 1.8 ये भी ओके है। और यहाँ पर जो रेगुलेटर है, इससे यहाँ पर बनता है 1.2, ठीक है। तो जो कोर वोल्टेज के लिए होता है, देखिए कोर वोल्टेज ये भी ओके है, लेकिन फिर भी ये रिलीज नहीं कर रहा है। तो वही हम लोग को ढूंढ के निकालना है, ये सब वोल्टेज प्रेजेंट होने के बाद भी ये रिलीज नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, वो हम लोग ढूंढेंगे, ठीक है। इस रेगुलेटर में कोई वोल्टेज नहीं है, ठीक है। ये रिलीज होने के बाद छोड़ता है, तो देखिए यहाँ पर क्रिस्टल का वोल्टेज देखिए, ये भी लगभग ठीक है, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जितना सारा रेगुलेटर लगा हुआ है, तो उसमें हम लोग और एक इसमें एक्स्ट्रा करके जोड़ेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा करके जोड़ के देखेंगे ये रिलीज होता है कि नहीं, ठीक है। मैंने एक बार सॉफ्टवेयर भी किया था, ये सॉफ्टवेयर के वजह से भी होता है, लेकिन पहले मैं ये इसका सॉफ्टवेयर किया था, सॉफ्टवेयर करने के बाद भी ये सेम ही प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन मैं दिखाऊंगा, ठीक है, कैसे सॉल्यूशन करना है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं ये रेगुलेटर है, तीन बक कन्वर्टर लिया है यूनिवर्सल। तो इसमें से 1.8, 3.3 और 1.2, ये तीनों को इससे मारूंगा, इसके ऊपर, ठीक है। तो मैं कनेक्शन कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मेरा कनेक्शन हो चुका है, ठीक है। ये तीन कनेक्शन किया हूँ मैं, देख सकते हैं कैसे। तो ये मेरा इनपुट है और ये बाकी सारा आउटपुट है, ठीक है, ये तीन वायर आउटपुट है। तो चलिए इसका कनेक्शन कर लेते हैं, देखिए मैं कैसे, जस्ट टेस्ट करने के लिए एक बार लगाऊंगा इसको, ठीक है, एक बार टेस्ट करने के लिए लगाऊंगा। और देखिए इसका इनपुट यहाँ से भी दे सकते हैं और इस मदरबोर्ड से भी दे सकते हैं। तो मदरबोर्ड का देखिए 12 वोल्ट मुझे यहाँ पर मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पर 12 वोल्ट मिल रहा है, तो यहाँ से भी दे सकते हैं, वहाँ से भी दे, तो मैं यहाँ से ही दूंगा, ठीक है, यहाँ पर ही दे दूंगा। उसके बाद मैं इसका कनेक्शन करता हूँ। तो चलिए आप लोग देखिए अभी मैं इसका कैसे कनेक्शन करता हूँ, ठीक है। जस्ट एक बार राउंड टेस्ट करूँगा, इसमें 1.8 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है, 1.8 सॉरी, देख सकते हैं अभी ये रिलीज हो गया है। ये क्या होता है, कभी कभी रिलीज होता है, कभी कभी नहीं होता, ठीक है। तो फिर से एक बार दिखाऊंगा, देख सकते हैं ये रिलीज हो चुका है, देखिए आवाज भी आया है इसका। तो इसका देखिए, इसका पैनल सप्लाई देखिए, पैनल सप्लाई भी आ गया है,
ये देखिए 3 वोल्ट आ गया है। ठीक है, फिर से अभी एक बार बंद करूंगा इसको, देखिए बंद हो चुका है। और एक बार लाइन देता हूँ, ये देखिए ये फिर से ऑन हो गया है। और एक बार टेस्ट करूंगा, देखिए फिर से ऑन हुआ है। ठीक है, एक दो बार चलेगा फिर जाके ये स्टैंड बाई में बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर से एक बार दिया, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तो फिर भी मैं इसका कनेक्शन कर लेता हूँ। मैं और एक बार दिखाऊंगा आपको, लाइव दिखाऊंगा, ये रिलीज नहीं कर रहा है। तो चलिए देख सकते हैं, ऑन हो रहा है अभी। तो चलिए पहले कनेक्शन कर लेंगे इसका वोल्टेज, ये 1.8 का रेगुलेटर है और ये आपका 3.3 का है। ठीक है, ये 3.3 का है और ये 1.2 का। ठीक है, तो 1.2 पहले देख लेंगे, 3.3 कहाँ से आ रहे हैं, तो 3.3 डिटेक्ट करेंगे पहले स्विच मोड में। ये एक नंबर पिन, ये देखिए यहाँ से यहाँ पर नहीं आ रहा है ये, तो ये चेक करेंगे ये कहाँ से आ रहा है। ये देखिए ये रेगुलेटर से आ रहा है 3.3। ठीक है, तो यहाँ पर डाल देंगे 3.3 और 1.2 देखिए यहाँ से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है। तो चलिए इसका कनेक्शन पहले कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। देखिए ये रहा मेरा 12 वोल्ट का कनेक्शन, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये फिर से मतलब कि रिलीज नहीं हो रहा है। देखिए ये रिलीज नहीं हो रहा है, इसका लाइट भी देख सकते हैं। ठीक है, रिलीज नहीं कर रहा है, तो मैं अभी क्या करूँगा, अभी देखिए इसका कनेक्शन मैं कर लूँगा, ये सब का कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन करने के बाद मैं दिखाता हूँ, देखिए क्योंकि ये 2-3 बार ऑन होगा, कुछ देर चलेगा फिर जाके ऐसा स्टैंड बाई में बैठ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको बंद करके इसका कनेक्शन पहले कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए कौन पैनल था पहले इसको इसका कनेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, इसका ग्राउंड मैं दे दूंगा फर्स्ट, इसका जो ग्राउंड है कुन्ने भी कहने की ये भी आवार कुन्ने भी होगा नसल जाकर चले चलते
আমার না ওই আগের স্বামীর তো ভর্তুকি পাচ্ছে না। হ্যাঁ মাসে কত দেয়? 25,000 3,000 করে ওটা পাবে। ওটা আমি কই লেখা বলেছি তাই। তাকে হাজবেন্ড মাসে কত স্যালারি দেবে? 12,00,000 টাকা। হিসাব করছো কত টাকা পায়? 12,00,000 টাকা স্যালারি দেয় মাসে। কিন্তু আমার মনে হয় না এই যে বিয়ে করলো আবার এটা ঠিক সই হবে। আবার ইচ্ছা আছে তাই করছে। বাবার বলে পাত্তা দেয় না এখন। শুনো মামা, যতই টাকা পয়সা হয় না কিন্তু কোন সময় এক এক সময় যখন নাকি নিজেকে ফাঁকা লাগে তখন মনে হয় না ফ্যামিলি দরকার। মনোরঞ্জন ডাল দেয় নাই, মুসুরির ডাল দেয় নাই জানো ও কামছে। ছয়টা সিলিন্ডার তো ফ্রেন্ড ফির ভি নেই হো রা হ্যায় তো অভি জো হাম লোগ করেঙ্গে জো ইয়ে মেইন আইসি হ্যায় মেইন আইসি কা প্রবলেম হ্যায় तो मेन आईसी को एक बार हीट करेंगे। ठीक है, पूरा हीट करके देखेंगे मेन आईसी। दिखाते हैं हम लोग ये मेन आईसी हीट करके देखेंगे। तो इसका हीट सिंक मैं खोल लेता हूँ। तो इसका एक बार हीट करेंगे। हीट करने के बाद देखेंगे
तो फ्रेंड्स देखा आपने, मैंने ये आईसी को पूरा हीट किया। हीट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ठीक है। ये देखिए लाइट आया, ये देखिए ऑन हो गया है, देख सकते हैं ये ऑन हो गया है। तो यहाँ पर दो कैपेसिटर छूट गया है, तो इसको मैं जम्पर कर दूंगा, अभी कैपेसिटर को लगा दूंगा। यहाँ पर दो कैपेसिटर छूट गया है, नहीं लगाने से भी चलेगा, लेकिन मैं यहाँ पर लगा दूंगा। तो ये कुछ देर चलाएंगे, चलाने के बाद ही डिलीवरी करेंगे, क्योंकि अगर फिर से प्रॉब्लम आया तो कस्टमर रिटर्न कर देगा। तो ऐसा नहीं करना है, हम लोग इसको ठीक से देख के फिर जाके डिलीवरी करेंगे। लेकिन ये सॉल्यूशन हो गया है, ठीक है, क्योंकि ये ड्राई शोल्डर के वजह से भी होता है। तो मैं इसका देखिए हर एक पिन मैं दिखाता हूँ हम लोगों को, हर एक पिन मैंने इसका आपको ठीक से सोल्डरिंग किया है, देख सकते हैं। यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, देखिए दो कैपेसिटर यहाँ पर छूट गया है, दो कैपेसिटर देख सकते हैं यहाँ पर छूट गया है दो। और यहाँ पर देखिए मैं दिखा रहा हूँ, और इसको ठीक से क्लीन करके, ठीक है, देख सकते हैं ये इसका ब्रेक लाइट भी ऑन हो चुका है। तो इसका पिक्चर भी देखिए, पिक्चर भी देख सकते हैं, पिक्चर भी आ गया है, ठीक है, इसका पिक्चर भी आ चुका है। तो चलिए इसको फिटिंग करके फिर दिखाते हैं आप लोगों को, ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं टीवी मेरा ओके हो चुका है, ठीक है। तो ये इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जो ये इसका पिक्चर उल्टा आ रहा है, तो ये मैं सर्विस मोड में जाके इसको ठीक कर दूंगा। तो टीवी मैंने 2 घंटा चला के रखा, फिर ऑन ऑफ किया, अभी सही चल रहा है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।